तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग की एक कमाल की ऐप बोल सकते हैं, या सैमसंग गुडलक की एक कमाल का मॉडल है। तो उसके अंदर एक नया अपडेट आया है जो कि बहुत यूजफुल फीचर देता है, या बोल सकते हैं जिसके अंदर बहुत यूजफुल फीचर मिलते हैं। लाइक आप उसे बैक टैप कर सकते हैं, और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन आए, और भी अच्छे अच्छे सेटिंग्स वहां पर आप कर सकते हैं। उस ऐप में एक नया अपडेट आया और बहुत ही यूजफुल फीचर वहां पर एड ऑन कर दिया गया है, या भी बोल सकते हैं बहुत ही यूजफुल एक सेटिंग एड ऑन कर दी गई है जो कि बहुत काम की है। आगे बताने वाला हूँ क्या इस अपडेट में नया चेंजेस किया गया और क्या आपको इससे फायदा होने वाला है, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आप सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआई टेक में। दोस्तों जैसा कि ना बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कमाल की एक ऐप के अपडेट के बारे में। तो उसके लिए चाहे तो आप गैलेक्सी स्टोर पर भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप गुडलॉक आपके पास है तो आप यहाँ पर गुडलॉक के मॉडल में चले जाइए, क्योंकि वो गुडलॉक से रिलेटेड ही ऐप है। तो मैं आपको गुडलॉक के मॉडल में ले जा रहा हूँ। गुडलॉक के मॉडल में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर रेगिस्टार ऐप में, जो कि अभी कुछ ही 3-4 महीने पहले ही लॉन्च की गई थी। आपको उसमें जाना है रेगिस्टार ऐप में, आपको दिख जाएगा रेगिस्टार ऐप। तो पहले मैं आपको उसका एक प्रीव्यू बता दूं कि एक्चुअल में अपन क्या क्या करते हैं, या फिर पहले मैं अपडेट ही बता देता हूं। तो आप यहां पर बैक आइए, यहां पर आपको अपडेट का साइन मिलेगा। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे वो आपको आपके मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पर ले जाएगा। गैलेक्सी स्टोर पर जाने के बाद आप देखेंगे यहां पर नीचे की तरफ आएंगे तो इस ऐप का वर्जन, या बोल सकते हैं इस ऐप को अपडेट कब रोल आउट किया गया, आज ही के दिन रोल आउट किया गया। इसका वर्जन नंबर है 1.0.42, जिसका साइज है 30.88 MB का। यहाँ पर आप देखेंगे क्या नया चीज़ की गई है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया इम्प्रूवमेंट लॉजिक टू रिड्यूस करेंट कंजप्शन। पहले मैं अपडेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया इम्प्रूव लॉजिक टू रिड्यूस करेंट कंजप्शन, फिक्स एक्शन एरर ऑन कवर स्क्रीन, करेक्टेड स्क्रीन टच एरर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो आप देख सकते हैं जो फीचर्स दिए गए हैं बहुत ही यूजफुल हैं। सबसे पहला जो फीचर दिया गया है इम्प्रूव लॉजिक टू रिड्यूस करंट कंजप्शन, मतलब कि जैसे कुछ यूजर्स का कहना था कि हम इसको अगर यूज कर रहे थे तो उससे हमारी बैटरी कंजप्शन ज़्यादा हो रहा था, या हो सकता है हमारी बैटरी ज़्यादा जल्दी खत्म हो रही थी, या बैटरी हमारी ज़्यादा पी रहा था। बट इस अपडेट के बाद उन्होंने उसको थोड़ा बहुत रेक्टिफाई करने की कोशिश करी गई है ताकि आपके मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म ना हो और आप उसको लॉन्ग टर्म तक उस फीचर्स को भी यूज कर सकें। सबसे पहला यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया। उसके बाद सेकेंड है फिक्स एक्शन एरर ऑन कवर स्क्रीन। कवर स्क्रीन मतलब कि जब भी आप मोबाइल को लॉक स्क्रीन करके इस फीचर को यूज करते थे तो कुछ एरर आते थे, उनको यहाँ पर फिक्स आउट किया गया है। साथ में करेक्ट स्क्रीन टचेस एरर, तो स्क्रीन टच करने मतलब आप हो सकते हैं जब आप इसको यूज करते हो टचिंग के एरर थे उनको भी सोल्यूशन किया गया। हम इसको ले जाता हूँ वापस आपको बैक, वापस हम रेगिस्टार ऐप में आ गए। तो सबसे पहले आप देखें इस पर रेगिस्टार ऐप, अगर आपको पता नहीं है इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं आप देख लें। तो सबसे पहले आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी सेटिंग को। सेटिंग बोले तो जैसे कि आप अपने मोबाइल में यहाँ पर सेटिंग्स खोलते हैं ना, तो आप इसकी सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ऊपर आए कौन सी चीज़ नीचे आए, वो आप पूरी यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, जो सी चीज़ ऊपर नीचे चाहिए आप यहाँ पर यूँ ड्रैग एंड ड्रैग आउट करके उसको सेट आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे शो अकाउंट नेम, तो अकाउंट नेम में भी आप अपना निक नेम या नेम शो कर सकते हैं। हाइड योर ईमेल एड्रेस कर देंगे तो यहाँ पर अपना मेल एड्रेस भी हाइड हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपका मेल एड्रेस हाइड हो जाएगा, सिर्फ आपका यही नाम दिखाई देगा। तो रेगिस्टार एक कस्टमाइज करने का ऑप्शन देता है। उसके बाद आएगा सेटिंग चेंज हिस्ट्री, जितनी भी आपकी सेटिंग चेंज होगी सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी, क्या क्या सेटिंग चेंज हुई है। उसके बाद आएगा सर्च ऑप्शन को थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो मिल जाएगा। अब इसका मेन फीचर जो है वो ये है बैक टैप एक्शन फीचर, जिसके कारण बैटरी सबसे ज़्यादा पीता है और बैटरी कंजप्शन का और एरर्स जो भी हैं सब इसी में आते हैं। जैसा कि मैंने टैप कर रखा है कि डबल टैप करूं और बैक हो जाए, तो डबल टैप होते ही वो बैक हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा ऐसे ही ये वर्क करेगा। ऐसे ही अगर मैं देखूं बैक टैप एक्शन में, मैंने ट्रिपल टैप पर टैग एंड स्क्रीनशॉट कर रखा है 1, 2, 3, तो वो स्क्रीनशॉट खींच लेगा। तो ये सब करने में थोड़ा सा पहले वाले वर्जन में थोड़ा डिले होता था, या बोल सकते सही से वर्क नहीं करता था, कभी बार प्रॉपर बैक स्पेस काम ही नहीं करता था, या बोल सकते हैं बैक टैप एक्शन ही काम नहीं करता। बट अब प्रॉपर ही यहाँ पर आपको चलता हुआ मिलेगा और उसकी यहाँ पर वर्किंग भी अच्छी हो गई है और उसकी बैटरी कंजेशन को भी यहाँ पर बना रही है। आपको यहाँ पर जाना है, अगर आपको नहीं पता आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाके डबल टैप में क्लिक करके उसको पूरा अरेंज कर लेना है कौन सी ऐप को आपको क्या करना है। यहाँ पर जाएंगे ट्रिपल में, ट्रिपल में कुछ एक्शन करना है तो वो यहाँ पर एड ऑन कर सकते
सकते हैं और यहाँ पर गेट डिवाइस लॉक में वर्क करे ना करे वो यहाँ पर आप सेटिंग आउट कर सकते हैं। सेंसिटिविटी को भी यहाँ पर आप कम ज़्यादा यहाँ पर करेंगे तो और भी अच्छे से कम करेगा। उसके बाद दिया गया है नीचे साइड की कस्टमाइजेशन, आप साइड की को कस्टमाइज कर सकते हैं कि साइड की दबाने में आप क्या है। जैसा कि पहले आपको सिर्फ वहाँ पर बिक्सबी काम आता था, बिक्सबी चलता था, अब आप साइड की में अपना गूगल भी असिस्टेंट लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने लगाया है, मैं थोड़ी देर प्लेस करके रखूंगा तो वहाँ पर गूगल असिस्टेंट काम करने लग जाएगा। आप देख रहे हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। टर्न ऑन ऑफ फ्लैश लाइट लगा सकते हैं, टर्न ऑफ ऑटो रोटेट लगा सकते हैं, टर्न ऑफ लाइव ऐप कैप्शन लगा सकते हैं। आप जो भी यहाँ पर लगाना चाहें आप लगा लीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बैक टैप को अगर लॉक स्क्रीन पर यूज़ कर रहे थे तो कुछ एरर आ रहे थे, वो भी यहाँ पर उन्होंने रेक्टिफाई कर दिए गए। मतलब कि आप बैक स्पेस या जो भी आप यूज़ करेंगे रेगी ऐप को, रेगिस्टार ऐप को, आपको कोई भी बग नहीं मिलेंगे और आपका ऐप की परफॉर्मेंस और आपकी बैटरी कंजप्शन भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये नया अपडेट आया। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।